चले आज हम सीख रहे हैं कि HTML के ऊपर किस तरह से एक साइन अप फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है ना, सेट पे। ठीक है, तो किस तरह बनाएंगे? सबसे पहले हमने ये फाइल बनाई, इसको सेव कर देते हैं साइन अप डॉट HTML के नाम से, और इसको शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, ये हमारे सामने आ जाएगा। और इस पर हम लिख रहे हैं टाइटल बार पे साइन अप फॉर्म। ठीक है, जो साइन अप फॉर्म होता है जो ईमेल वगैरह बनाने के लिए हम जीमेल वगैरह पे फिल करते हैं, इस तरह का फॉर्म हम इस पे कैसे डिजाइन कर सकते हैं, सिर्फ डिजाइन कर रहे हैं, वो फंक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके नीचे आ जाएं। इसके बाद वही सबसे बड़ा जो शुरू करते हैं, फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म का एलिमेंट यूज किया जाएगा। ठीक है, फॉर्म स्टार्ट एंड ओवर होगा। इसके बाद यहाँ पर अब हम जो ट्रिक यूज कर रहे हैं वो फिलहाल हम यूज कर रहे हैं पैराग्राफ के साथ, तो एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं और उसमें हम लिखते हैं, जैसे उससे ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पर हेडिंग वन में यूजर साइन अप फॉर्म, तो यूजर साइन अप फॉर्म। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ, इस तरह से रिफ्रेश कर देते हैं। इसके बाद नीचे आके यहाँ पर हम लिख लेते हैं फ्रंट में फर्स्ट नेम। ठीक है, और यहाँ पर एक पैराग्राफ में लिखने के बाद आगे इसके हमें कुछ डेटा डालना है, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट कर देते हैं। ये वो एलिमेंट है जो डेटा को यूजर से इनपुट लेगा, टेक्स्ट बॉक्स बनाएगा। हाँ, इसमें सीन था ये इनपुट। ठीक है ना, जैसे हम लिखेंगे वैसे आ जाएगा ये। ठीक है, तो अब नीचे आएंगे, लास्ट नेम लिखेंगे। ठीक है, और फिर इनपुट टाइप टेक्स्ट कर देंगे इसकी, और यहाँ से ये फर्स्ट नेम के साथ लास्ट नेम भी ऐड हो जाएगा। देख रहे हैं कितने मजे मजे से बन रहा है। उसके बाद हम उसका यूजर नेम के लिए ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख दिया यूजर नेम, तो यहाँ पे वही इनपुट टाइप टेक्स्ट लिख दिया, तो वो यूजर नेम आ जाएगा इसका यहाँ पे, और सेव कर देंगे यहाँ पे, रिफ्रेश कर देते हैं। फिर वो पासवर्ड चूज करेगा, तो यहाँ पे ले लेंगे पासवर्ड, और पासवर्ड के साथ इनपुट टाइप टेक्स्ट कर देंगे। अब टेक्स्ट की जगह इसकी टाइप चेंज कर देंगे किसके अंदर, पासवर्ड के अंदर, तो यहाँ पे इस तरह से पासवर्ड आ जाएगा, इसमें टेक्स्ट आएंगे उसमें पासवर्ड लिखाएगा। फिर इसी को कॉपी कर लेते हैं और नीचे जाके यहाँ पे कर देते हैं रीटाइप, री टाइप पासवर्ड, तो यानी कि वो पासवर्ड उसके साथ मैच कर लेगा, तो रीटाइप पासवर्ड का बॉक्स भी इसके साथ आ जाएगा। ठीक है ना, हाँ कन्फर्म पासवर्ड कर लें, चले ऐसा कर लेते हैं, वो अच्छा कर लेते हैं, अच्छा वर्ड आ गया कन्फर्म पासवर्ड, तो कन्फर्म पासवर्ड ले लिया। हाँ बेटा सही है, ओके। उसके बाद आता है वो आपसे पूछता है कि आप अपनी क्या बताइए, नहीं नहीं यूजर नेम पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के ऊपर आ जाते हैं, तो हाँ डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए हम बना लेते हैं एक और नमूना, यहाँ पे इनपुट टाइप करेंगे और यहाँ पे कर देंगे इनपुट टाइप डेट कर देंगे, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वाला कैलेंडर आ जाएगा। सही है, इनपुट टाइप क्या रखेंगे, डेट रखेंगे। उसके बाद वो क्या पूछ रहा होता है आपसे, नहीं नहीं साइन अप में CNIC ई मेल अकाउंट, ईमेल बनाते हुए CNIC नहीं पूछ रहा होता, वो ऑप्शनल ईमेल एड्रेस पूछ रहा होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे पूछ रहा होता है, एक पैराग्राफ लेंगे ऑप्शनल ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख के इनपुट टाइप कर देंगे, और टाइप यहाँ पे क्या बता देंगे, इसकी ईमेल बता देंगे, तो यहाँ पे हाँ वो भी ईमेल वगैरह लिख रहा होता है, हाँ पोस्टल कोड पूछ रहा होता है, तो पोस्टल कोड के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे पोस्टल कोड, और उसकी जो टाइप है वो हम बताएंगे इनपुट टाइप, यहाँ पे बता देंगे नंबर, क्योंकि कोड आएगा नंबर में, इसमें टेक्स्ट अलाउ नहीं होगा। ठीक है, पोस्टल कोड में नंबर आ जाएगा। फिर उसके बाद पूछ रहा होता है कॉन्टैक्ट नंबर, तो यहाँ पे आप लेंगे कॉन्टैक्ट। ठीक है, इनपुट टाइप में क्या बता देंगे, नंबर बता देंगे, ताकि वो कॉन्टैक्ट आपका इजीली यहाँ पे ले ले। नहीं बेटा, पोस्टल कोड आपका पोस्ट ऑफिस का कोड होता है, और ईमेल एड्रेस लिखा है ना अल्टरनेटिव ईमेल लगाएंगे, फिर उसका कोड आएगा ना, वो एक अलग कहानी है। हाँ क्यों नहीं बना सकते, हाँ उसके लिए फिर आपको दो ऑप्शन है, अभी तो जो आपने सीखा टेबल के जरिए बना लें, या फिर अभी आगे चल के सीखेंगे इनलाइन एलिमेंट्स वगैरह, सीएसएस का थोड़ा काम करेंगे तो उसमें उसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसलिए मैं आपको ये एक ही कॉलम में बना के बता रहा हूँ नीचे, तो पैराग्राफ में चले जाएं, फिर कॉन्टेक्ट के बाद क्या पूछ रहा होता है वो आपसे, जेंडर पूछ रहा होता है। सही है ना, अब जेंडर में हम यहाँ पे लेंगे जेंडर लिखेंगे, और उसके लिए देखें कौन सा एलिमेंट यूज करेंगे हम। अब जैसे मेल के लिए एक बॉक्स हो रहा था, इनपुट टाइप लेंगे उसके अंदर, और यहाँ पे बताएंगे इनपुट टाइप रेडियो, क्या बताएंगे रेडियो, और उसके आगे लिख देंगे मेल, तो ये देखें कुछ इस तरह का बन जाएगा। सही है, और फीमेल के लिए आप क्या लिखेंगे, इसको कॉपी करेंगे, जब भी तो ये रेडियो बटन ऑप्शन बटन बनेगा ना,
रेडियो लिखेंगे तो ऑप्शन बटन बनेगा ना मेरे मुन्ने, अगर नहीं लिखेंगे तो क्या बनेगा वो। फिर यहाँ पे लिख देंगे फीमेल, फीमेल ठीक है। और तीसरे वाले पे आप क्या ले लेंगे, अदर्स ले लेंगे, क्योंकि तीनों में से एक ही चूज करना है ना उसको, या तीनों ले लेगा वो, ठीक है। तो तीनों में से एक कोई भी चूज कर लेगा, अभी तो तीनों चीज चूज हो रहे हैं, अब इसका क्या करें। इसके लिए हमें कुछ नमूना करना पड़ेगा, यहाँ पे जो नेम है नेम सबका एक ही पास कर देते हैं। सपोज नेम में हम सबके लिख देंगे जेंडर, तो जितनों का नाम सेम होगा तो उनमें से एक सिलेक्ट हो सकेगा, सही है, समझ में आ रही है बात या ऊपर जा रही है, ठीक है। अब उसके आगे कंट्री, फोटो लेके भेज दिया मुझे आपने, कंट्री कंट्री रीजन, कंट्री रीजन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। पैराग्राफ में कंट्री या फिर country कंट्री या फिर रीजन, कंट्री ले लेते हैं बस, ठीक है यार। तो कंट्री में आगे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे देखें एक और एलिमेंट यूज करने वाले हैं हम आपके लिए, सेलेक्ट, सेलेक्ट एलिमेंट है, और सेलेक्ट एलिमेंट के अंदर यहाँ पे लिखेंगे हम ऑप्शन, ठीक है। और ऑप्शन में जाके पास करेंगे सपोज पाकिस्तान, और जितने कंट्रीज हैं उतने ऑप्शन आप इसके अंदर ऐड करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आके तो जैसे रिफ्रेश मारेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। इसे हम कहते हैं कॉम्बो बॉक्स या लिस्ट बॉक्स। हाँ नहीं है, वो दूसरे पेज पे चला जाएगा, पर डेटा भी पास नहीं करेगा, उसके लिए हमें इसके अंदर करनी पड़ती है प्रोग्रामिंग, या तो जावास्क्रिप्ट सीखें फिर उसके आगे, या फिर आप PHP या फिर C# या फिर पाइथन डेटा फेच करने के लिए भी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। ये बात आपको जहन में बैठ गई है या अभी सही तरह बिठानी पड़ेगी, सही है ना। अब आपने लास्ट में वो लिखना होता है एग्रीमेंट जो होता है आई एक्सेप्ट वाला, या अभी कुछ रह गया है, एक्सेप्ट वाला एग्रीमेंट बना लेते हैं। इसके ऊपर एक्सेप्ट किया, यहाँ पे इनपुट टाइप यहाँ पे लेंगे चेक बॉक्स, ठीक है। इनपुट टाइप क्या ले ली हमने, चेक बॉक्स ले ली, और उसके नीचे पैराग्राफ करके, यानी कि इसके साथ ही नीचे, बल्कि फिर पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ बनेगा। चलो यहाँ कुछ टेस्ट ले रहे हैं लॉरेम, हाँ सिटी नहीं लेते बेटा, कंट्री लेते हैं। ये हमने आई एग्री वाला बनाया, अब ये देखो ये अलग अलग हो गया। अगर हम चाह रहे हैं इसके साथ आए तो सिर्फ हमें करना ये है कि यहाँ से पैराग्राफ्स नहीं लगाने, डायरेक्टली इसके साथ कर देंगे तो ये इन लाइन में हो जाएगा इसके साथ, समझ में आई। इसे कहते हैं इनपुट टाइप चेकबॉक्स। अब फाइनली हम बटन बनाएंगे इसके, तो बटन जो हमें बनाने हैं, आप इसमें आगे लिखना भी तो आई एग्री आई एक्सेप्ट, ठीक है आई एक्सेप्ट करके। अब यहाँ पे थोड़ा सा नमूना हम ये कर सकते हैं कि इसको यहाँ पे हम कर देते हैं बी फॉर बोल्ड, और बोल्ड को क्लोज करके यहाँ पे करेंगे इसको क्लोज, ठीक है। और यहाँ पे लाइन चेंज करने के लिए एक BR लगा देते हैं, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये आ गया आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, और फाइनल बटन बनाएंगे सबमिट का और रीसेट का। तो इसके बाद एक पैराग्राफ और ले लेते हैं, और उसमें इनपुट टाइप लिखेंगे, आ जा बेटा कहाँ गया, इनपुट टाइप इसमें लिखेंगे सबमिट, स्मॉल में लिख दें कैपिटल में लिख दें जैसे लग रहा है लिख दें, इनपुट टाइप सबमिट लिखेंगे तो यहाँ पे देखें एक सबमिट का बटन आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक रीसेट का बटन बनाना है तो उसके नीचे एक और कर दें, और टाइप में क्या लिख देंगे रीसेट, ये दो बटन था आपके बन गए। तो ये देखें यूजर साइन अप फॉर्म आपका बेसिकली इसके अंदर डिजाइन कर लिया हमने, जिसको यूजर इजीली इसको फिल कर सकता है, यानी कि अभी एक फॉर्म का डिजाइन किया है हमने, स्ट्रक्चर बनाया है, कलरिंग इफेक्ट्स वगैरह अभी नहीं दिए इसके अंदर, ठीक है।